आज ये बीजेपी वाले कहते हैं डबल इंजन की सरकार लाओ। 2014 से गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, 2014 से, और 2014 से मैं लाया हूं आज। सारे दाम जो चीजें महंगी हुई हैं वो लेकर आम आदमी का जीवन कितना महंगा हुआ है मैं बताऊंगा अभी। 2014 से गुजरात में डबल इंजन की सरकार चल रही है। 2014 में पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। आपके ट्रैक्टर में जो डीजल डलता है वो 2014 में 50 रुपए लीटर था, आज वही डीजल 90 रुपए लीटर है। एलपीजी का गैस का सिलेंडर जो रसोई में इस्तेमाल होता है वो 500 रुपए प्रति सिलेंडर मिला करता था 2014 में, आज 1060 रुपए का मिलता है 2022 में। देसी घी 350 मिला करता था एक पैकेट एमपी वाला, आज 650 रुपए का मिलता है 2022 में। जब 2014 में डबल इंजन वाली सरकार बनी थी तो दूध 36 रुपए लीटर मिला करता था, आज 2022 में वो दूध 60 रुपए लीटर मिल रहा है, 60 रुपए लीटर। साथी, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ इलाज कराने, कंसल्टेशन लेने, तो 2014 में प्राइवेट डॉक्टर 300 रुपए लिया करता था हर मरीज से, आज 800 रुपए लेता है, 800 रुपए हर मरीज से। साथी, इसी के साथ साथ सीएनजी जो 46 रुपए के आसपास मिला करती थी प्रति यूनिट, आज वो 75 रुपए प्रति यूनिट हो गई। साथियों, 75 रुपए प्रति यूनिट। और इसी के साथ साथ सिंग तेल जो आप सब खरीदते हो, अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, वो एक डिब्बा 1000 रुपए का मिलता था, आज वो एक डिब्बा 2800 रुपए का मिलता है। साथियों, 2800 रुपए, ये महंगाई का आलम, ये महंगाई है, ये डबल इंजन सरकार की महंगाई है। इस महंगाई को, इस डबल इंजन वाली सरकार की महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार और महंगाई रूपी राक्षस का वध करने के लिए अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आपकी इस महंगाई को दूर करेंगे, और आप सबको हर महीने करीब करीब 30,000 रुपए का फायदा कराएंगे। साथियों, 30,000, जब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जब बड़े बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा, जब सबको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, जब सारा दवा दवाई ऑपरेशन इलाज मुफ्त हो जाएगा, जब मेरी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में 1000 रुपए आएगा, सारे बेरोजगार युवाओं की जेब में 3000 रुपए हर महीने का बेरोजगारी भत्ता आएगा, तो गुजरात के हर परिवार को 30,000 रुपए का डायरेक्ट फायदा अरविंद केजरीवाल जी करवाएंगे। देख लो अब ये डबल इंजन वाली, डबल महंगाई की सरकार की केजरीवाल सरकार वाली नई इंजन की 30,000 रुपए की हर महीने की सौगात वाला इंजन चाहिए, सौगात वाली सरकार चाहिए। साथियों, फैसला आपने अगले महीने करना है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, और ये नतीजे सिर्फ किसी पार्टी की राजनीतिक तकदीर नहीं बनाएंगे, आपके परिवारों के, आपके बच्चों का भविष्य, आपके परिवार की तकदीर बनाने का काम करते हैं।